हेलो एंड वेलकम टू एशिया नेट न्यूज। आई एम ऋषिका खन्ना और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने अपनी रेसलिंग से इंडिया का नाम रोशन करा है और अब वो पहले इंडियन मेल रेसलर हैं जो एमएमए यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स में ज्वाइन करने वाले हैं। ही इज नन अदर देन संग्राम सिंह। सर नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू राशिका जी, थैंक यू, नमस्ते फॉर इनवाइटिंग मी। सर पहली बात तो इंडिया इज वेरी प्राउड ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एमएमए में जाने वाले हैं। तो सर पहला मेरा ये क्वेश्चन होगा आपसे कि आपका बैकग्राउंड रेसलिंग है, आपने क्या आपके दिमाग में आया या आपने क्या सोचा कि आपको एमएमए में जाना है? देखिए क्या है राशिका जी, एमएमए ऋषिका क्या ऋषिका जी, एमएमए ऑनगोइंग स्पोर्ट्स है। तो जैसे मैंने देखा जब मेरा दुबई में मैच था रिसेंटली, अभी मैं कई साल बाद मैच खेला दुबई में, तो वहां पे कई शेख थे, दूसरे थे, उन सब ने मुझे बोला कि आपको एमएमए करना चाहिए, हमारे यहाँ पे एमएमए बहुत पॉपुलर है। फिर मैंने मेरे भाई के लड़के से, बहन के लड़के से बात किया, उनसे बच्चों से, तो मैंने कहा मैच देखा, बोला क्या मैच, वो फुटबॉल को और एमएमए सब स्टार को फॉलो करते हैं, उनको सबके नाम भी पता है। तो मैंने कहा भैया ये तो है। फिर मैंने पता किया कि भैया इसमें तो 30 साल में सब रिटायर ले जाते हैं, 30-32 साल मैक्स टू मैक्स, और हम तो 40 में जाके इस गेम में आ रहे हैं। तो मैंने कहा देखो खूबसूरती यही है, अच्छा यही है, और मैं एमएमए करूं या रेसलिंग करूं, देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई आप जीतना या कुछ वो करना, मेरा मकसद ये है कि मैं ढेर सारे बच्चों को इंस्पायर करूं, जब मैं इस एज में कर सकता हूं तो वो भी कर सकते हैं, टुवर्ड फिटनेस, टुवर्ड स्पोर्ट्स। और ये मेरा एमएमए जो मेरा डेब्यू होगा ये उन सब बच्चों के लिए होगा जिनकी आंखों में खेल का सपना है या कोई चैंपियन बनना चाहते हैं। देखो क्या है कि एमएमए बाहर बहुत फेमस है, मतलब आउट ऑफ इंडिया, तो मुझे उम्मीद है कि ये इसके बाद में इंडिया में बहुत फेमस होगा और ढेर सारे बच्चे जो अपना करियर बनाना चाहते हो इसमें करियर बना सकते हैं। तो यही एक मेरा कारण था कि कई चीजें कर ली। और मेरा मानना रहे रहता है कि बींग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग, जो आपको एक जिंदगी छोटी सी वो कोशिश करनी चाहिए। जब सर आपके पास टैलेंट है आप करो क्यों नहीं, और सर आपको लोग इतना फॉलो करते हैं सो डेफिनेटली इट बी एंड बहुत इंस्पायरिंग होगा ये चीज, और आपको देख के लोग जरूर ज्वाइन करना चाहेंगे उसमें। तो सर जैसे आपका रेसलिंग बैकग्राउंड है तो आपको क्या रेसलिंग ने कुछ हेल्प करी एमएमए के लिए, या फिर आपने कुछ नए टेक्निक्स या कुछ स्किल्स सीखे? अभी मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं किया है, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा जुलाई से। बाकी रेसलिंग जो एमएमए मोस्टली जो सक्सेसफुल फाइटर हैं उनका बैकग्राउंड रेसलिंग रहा, और रेस्टरी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि बॉडी टू बॉडी कनेक्ट स्पोर्ट्स होता है। इसमें क्या है कि बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, किक्स हैं, ये सब कुछ मिक्स हो जाता है, थोड़ा सा ये थोड़ा खतरनाक है, मतलब एज कम्पेयर डिफरेंट उसके। तो मैंने देखा कि रेस्टरी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है कि ऊपर से मान लो एक दो मुक्का लग गया, कुछ हो गया, तो नीचे आएंगे तो हम ग्रिप से अपने उससे कोशिश करेंगे क्यों करने की। तो मैं इसकी ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड सोच रहा हूँ, या जुजुत्सु होता है ब्राजील में या पेरिस में, तो मैं काफी जगह देख रहा हूँ कि भैया वहां पे जाऊंगा और इसकी और ट्रेनिंग लूंगा, कोशिश करूंगा सीखने की, क्योंकि लाइफ क्या है कि सीखना ही है, कहते हैं ना कि जिंदगी में कोई कुछ नहीं है कि भैया सीखना बंद तो जीतना बंद। बिल्कुल सही सर, यस। तो सर आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इंडियन रेसलर्स को एमएमए के लिए जाने के लिए, क्या चैलेंजेस हैं आपको? आप अगर देखिए जो इंडियन ऑडियंस है ना, इंडियन ऑडियंस क्या है कि बहुत इमोशनल है, जैसे ये जो यूरोप वाले हैं बाहर वाले उनमें इमोशंस कम होते हैं एज कम्पेयर इंडियन के, तो हम खून खराबा ये चीजें थोड़ी हम कम पसंद करते हैं, वो बाहर वालों ब्लड थोड़ा ठंडा होता है तो उनको ये चीजें पसंद आती हैं, ये अट्रैक्ट करती हैं उनको। तो हम किसी को हार्म पहुंचाना, किसी का ब्लड निकालना है, सब करना, इसमें हम बिलीव नहीं रखते। हम बिलीव रखते हैं कि नीट फेयर प्ले में इस सब में। तो मुझे लगता है जो जो नए बच्चे होते हैं ना, जो 18 साल के, 15 साल के, 17 साल के, वो क्या है कि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि भाई ये चीज होनी चाहिए, इसमें पैशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आगे स्पोर्ट्स का कोई एक ऐसा सोल्यूशन आएगा कि ये स्पोर्ट्स ऑफिशियली हो जाएगा कि ये यहाँ ये ब्लीडिंग, जैसे रेसलिंग में ब्लीडिंग होती है, अगर वो ब्लीडिंग आपका मेडिकल टाइम तक स्टॉप नहीं होती तो वो बाउट खत्म कर देते हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है कि आगे ये एमएमए में ये आएगा, ये सब होगा। और सच बताऊं मैंने आज तक एमएमए देखा भी नहीं है कि कौन क्या खेलता है। तो अब जाएंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे,
किसी ने बोला तो मैंने करेंगे। फिर कोई मेरे पास आई यूएफसी आप कर सकते हैं, वो यूएफसी जैसे ये क्या है कि वो माँ और मौसी होती हैं, दो दो मतलब सेम ही होता है। तो मैंने कहा कि चलो आगे टाइम रहा तो स्टार्ट करेंगे। अब इस एज में स्टार्ट करना है, सब स्टार्ट करना, कई ऐसे मजाक भी करते हैं, मगर मेरा ही मानना है कि आपके ऊपर है कि आप 20 साल में 100 साल के हो जाओ या 100 साल में 20 साल में हो जाओ। तो सर आपने कोई डाइट के बारे में बताइए, क्या आपने कोई चेंजेस कर दिए? जैसे अभी आपने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करी, बट आपने कहीं पढ़ा हो या फिर आपको किसी ने गाइड किया हो कि डाइट में क्या डिफरेंसेस आएंगे? देखो मैं हमेशा हर जगह बोलता हूँ, वो पॉडकास्ट वायरल भी होते हैं, मैं अपनी जिंदगी में दो ही काम करता हूँ, वर्क या वर्कआउट। तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, सिंपल खाना खाता हूँ। अब बाहर आया हूँ तो बाहर खाना, मैं दो टाइम खाना खाता हूँ, एक तो अभी इस टाइम लंच करता हूँ, एक शाम को थोड़ा खाता हूँ। तो अभी बाहर होटल में रहता हूँ, इसमें रहता हूँ, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करता था, मगर आज ब्रेकफास्ट नहीं मिला। तो मैं अभी पूछ रहा था कि भाई मुझे ज्वारी की रोटी दे देना, थोड़ा सा पनीर दे देना, थोड़ी दाल दे देना, एक छाछ यानी अपनी जो नमकीन लस्सी बोलते हैं दे देना। मैं मीठे में गुड़ खाता हूँ या घी, घी में अपना कैरी करता हूँ, घी नमक हल्दी मैं सब अपनी कैरी करता हूँ, गुड़ भी कैरी करता हूँ, मगर अबकी बार थोड़ा जल्दी में था तो घी लाना याद रह गया, बाकी चीजें भूल गई। तो कुछ भी खाना हो, अगर आप खुश हो गए, सूखी रोटी प्याज भी खाते हैं ना, तो वो खाना सारे प्रोटीन विटामिन मिनरल सब मिल जाते हैं उसमें, और दुखी हो कुछ भी खाएंगे ना कुछ काम नहीं करेगा। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हेल्दी खाना खाऊं, कोशिश करता हूँ कि फिर भी मैं हेल्दी खाना खाऊं, वेजिटेरियन खाना खाऊं, और वो खाना खाऊं जो मौसम के अनुसार है। जैसे एक मिथ है ना लोगों का कि घी नहीं खाना चाहिए वेट गेन के लिए, या फिर अब जैसे गुड़ ही आपने बोला, ये सब चीजें अवॉइड करते हैं, तो आप क्या कुछ उनको बताना चाहेंगे कि इनके बेनिफिट्स हैं, ये बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? सबसे अगर कोई रामबाण है बॉडी के लिए तो वो घी है। घी एक सूखी लकड़ी पर डाल दो, देसी घी, वो लकड़ी 15-20 दिन में लाल हो जाएगी। गुड़ है वो जो हमारी स्किन पे ग्लो है ना, वो मीठा खाने से आता है, मीठा यानी चीनी खाना नहीं, गुड़ है, खांड है, मिश्री है। तो ये खाओ भैया, ये जो नहीं खाओगे, ये शुगर मीठा खाने से नहीं होती, ये शुगर टेंशन लेने से होती है, शुगर बीपी आर्थराइटिस डायबिटीज सब टेंशन से होते हैं, ये मीठा खाने से नहीं होते। तो और ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये कुछ हमने तो कम हो गया तो ऊपर आ जाएंगी, जब हमने लाइफ अपना वर्कआउट स्टार्ट किया, थोड़ा टाइम पे सोना टाइम पे उठना स्टार्ट किया, ये चली जाएंगी। तो जो ये सब नहीं खाते, जो फास्ट करते हैं, जो भूखे रहते हैं, वो भी गलत है, वो चक्कर आगे फिर जाएंगे। आजकल के बच्चे देखते हैं प्रभावित हो जाते हैं कि भैया वो सिक्स पैक है, वो जीरो साइज है, ये सब वो हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है। जो दिल करे वो खाओ, घर का बनाओ, कुछ भी खाओ, किसी टाइम भी खाओ, और आयुर्वेद के अनुसार आपको शाम को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, मगर मैं 10-10 बजे खाना खाता हूँ, रात को 11-11 बजे खाता हूँ, क्योंकि काम होता है भैया, काम नहीं फिर क्या करेंगे, काम नहीं हुआ तो, मगर 1 घंटे बाद सो, और नहाने से पहले और खाने के बाद है ना, 1 नंबर जाओ, 2 नंबर, 2 टाइम जाओ, खाने से पहले जाओ। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम फॉलो करेंगे ना, छोटे छोटे बेसिक्स हम रखेंगे, तो हम हेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे, और यही तो जिंदगी है ऋषिका जी, यही तो खाने पीने की, मगर बाद में सूप भी पीना है, अब खाया नहीं, अब छोड़ दिया, बाद में खाया नहीं जाएगा, उसका फायदा क्या है? ट्रेनिंग में क्या आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं आपकी रेसलिंग एज कम्पेयर टू MMA, कुछ ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस आपको क्या लगता है? देखो रेसलिंग में नॉर्मल ट्रेनिंग रहती है, मतलब किक है या पंचेज है या बाकी चीज है, वो सब सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा देखो परिवर्तन को आने से डरना चाहिए, परिवर्तन को रोकने से डरना चाहिए, तो परिवर्तन संसार का नियम है। तो मैं उस चेंज को उस ट्रेनिंग के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो चोट खाने के लिए, वो सब करने के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए, मैं उसमें लुक फॉरवर्ड हूँ। तो मैं उसके लिए उत्साहित हूँ कि भैया चाहे कुछ भी है, यही तो उम्र है, इस उम्र में चेंज करना चाहिए। अब ट्रेनिंग क्या है कि इसकी चेंज हो जाएगी, जैसे इसके फाइटर थाईलैंड में ज्यादा हैं, ब्राजील में से स्टार्ट हुआ जो दोस्तों जहाँ पे UFC चलता है, तो बाकी चीजें ही हैं। तो ट्रेनिंग मेन देखो, फादर तो किशन दास ही है, किशन लाल ही है, बाप अमर अकबर अंतरी तो बेटा हो गया, तीन से कितने चले गए हूँ। तो रेसलिंग है ना, रेसलिंग बेस है, चाहे MMA हो, UFC हो, ताइक्वांडो कुछ भी हो, रेसलिंग तो भैया फादर है, मदर है। तो बाकी बेटे कोई डॉक्टर बन गया, कोई फार्मर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई ब्यूरोक्रेट बन गया, कोई जर्नलिस्ट बन गया, कोई एंटरप्रेन्योर बन गया। तो क्या है कि रेसलिंग जिसने कर ली तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि रेसलिंग एक मेन बेसिक वो। तो सर आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो इन जो रेसलर्स हैं जो परस्यू करना चाहते हैं MMA में या मैं
मैं रेसलर्स को नहीं, मैं सब बच्चों को एडवाइस करना चाहूंगा कि भैया आप स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, यही उम्र है, अगर आपका शरीर ठीक है ना तो समझ लो आप दुनिया के सबसे धनवान इंसान हो। और उन सबको कहना चाहूंगा कि भैया हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचान रहे। शेर और चीता कितने ताकतवर हो मगर भेड़िया को भी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता। तो आप अपने आप को पहचानो, अपना टैलेंट पहचानो, अपना पोटेंशियल पहचानो और लगा दो इसको किसी उसमें कि ये थोड़े से दिन की जिंदगी है। फिर देखो गेटिंग ओल्ड इज मैंडेटरी और भैया मान लेना वो ऑप्शनल है। तो जिंदगी भी वही है कि अब ये उम्र है, इस उम्र में ना, अब मान लो मैं 5 स्टार में बैठा हूँ, मुझे रोड पे आनंद आ रहा है वो चाट खाने में, तो मुझे 5 स्टार आनंद नहीं देगा। तो जो आप चाहते हो, जिसको आप पसंद करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जो चीज चाहते हो करो। जिंदगी में वो फेल होना यानी जिंदगी में सक्सेस होना है। आप भले ही बड़ी गाड़ी में पहुंच गए, बड़े वो बन गए, अगर आप वो नहीं चाहते तो आप फेल हो, आप लाइफ में फेलियर। तो अपनी जिंदगी में वो चीज चुनो जिसको आप पसंद करते हो, जिसके लिए आप बने हो। और माता पिता को कहना चाहता हूँ कि भैया सब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, क्योंकि क्या पता कोई यूट्यूबर बनना चाहता, कोई डांसर बनना चाहता, कोई एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहता, तो उनको उनकी ऑप्शन लाइफ चूज करने का वो दो। तो आप स्पोर्ट्स में आओ, स्पोर्ट्स क्या है, एक मदर है, फादर है। स्पोर्ट्स में आओ, अपनी हेल्थ पे काम करो, अपने सब उस पे काम करो। देखो लाइफ में 85% हमारी हेल्थ है, 10% हमारे मॉरल वैल्यूज है, 3% हमारे रिलेशन है, केस कैसे मैनेज करते हैं, 2% वेल्थ है। उस 2% के चक्कर में हम 98% खराब कर देते हैं। मैं एक टिप्स हमेशा देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, यूथ को देता हूँ, सबको, कि भाई आपको हेल्दी रहना, आपको फिट बनना है, आपको अच्छा करना है, तो आप 4 चीजें फॉलो कर लो। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना, आप हो गए फिट। वाह सर, तो एक लाइफ लेसन हो गया, बहुत अच्छा सा ये आपने दिया है, ये मैं जरूर नोट डाउन करूंगी और जो भी इंटरव्यू देखेगा आई गेस वो भी नोट डाउन करेगा, ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली। फेल होना तो ना, को काम करके फेल हो जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो। और रिस्क और रिग्रेट है ना, तो हमेशा जिंदगी में रिस्क को चुनो, रिस्क को चुना तो रिग्रेट तो रहेगा नहीं। अब मैं सक्सेस डिफीट में इसमें बिलीव नहीं करता, मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। अब मुझे पता नहीं कि जीतेंगे हारेंगे अगली मिनट का, हमें पता है नहीं, तो हम क्यों ना सोचो। 100% तो हमारा कहीं जाता नहीं, मगर फिर भी कोशिश करोगे भाई हम दे सकते हैं। एक अगर हो गए, जब हमारा 100% लग गया तो सफल हो ही जाएंगे। सफल होना जीतना, या देखो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता, ट्रॉफी चैंप लगातार कोशिश करता है। बस तो लगातार कोशिश करते रहो तो आप चैंपियन हो। आई बिलीव इन दिस। और जीतना हारना, आगे जाना पीछे जाना कुछ नहीं है, जिंदगी है। मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। वो कहते हैं ना कि उसने, कबीरदास साहब ने बड़ी अच्छी लाइन बोली है कि भाई मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाना है। तो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, आप कौन हैं, आप क्या हैं, याद नहीं करेगा। अगर हमारे काम कुछ ऐसे हो गए जो समाज के लिए, देश के लिए, तो लोग हमें याद करेंगे। थैंक यू सर, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया हमको।